अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँ जिसमें आप भैंसों के कारोबार को मज़ीद और भी बढ़ा सकते हैं। इसके और भी बहुत से तरीके बताएंगे इंशाल्लाह, तो वीडियो मुकम्मल देखना। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम एक नए फार्म पे हाज़िर हुए हैं, तो जहाँ पे हम पहले आपको बताएंगे ये कितनी जगह हैं, बिल्कुल देख लें, आप खुद देख लें, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तकरीबन एक कनाल है, एक कनाल के नज़दीक बन जाती है जगह, जो ये देखो बहुत बड़ा फार्म है, लेकिन इन्होंने भैंसों के लिए एक फार्म जगह बनाई हुई लैदा, ये देखें। तो हम आपको दिखाते हैं, ये देखो भैंसें नहा रही हैं, ये देखो भैंसें नहा रही है। आपने अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना कारोबार को मज़ीद बढ़ाएं तो आप ऐसा करें, सबसे पहले आप इन भैंसों को लाएं। भैंसों के लिए मैं बता देता हूं, आप अपनी करीबी मंडी में जाएं, तो मंडी में जाने के बाद उससे 10,000-20,000 की भैंस छोटी सी लें, यानी कि जिसको पंजाबी में कट्टी कहते हैं वो लें, कट्टी लेकर आएँ, 10-20,000 की मिलती है। तो ऐसे आप 15-20 ले सकते हैं, तो 15-20 लेने के बाद 3 महीने पालें, 4 महीने बाद पालें, या एंड 1-2 साल रखें अपने पास। जब ये बड़ी हो जाएं तो बड़ी होने के बाद इसको आप सेल कर सकते हैं, ये बहुत ही महंगी कीमत में बिक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मीन असल जो बात है ना, आप अगर आप चाहते हैं कि पहले जगह के बारे में बताता हूँ कि मुकम्मल आप जगह तकरीबन एक कनाल तक जगह बनाएं। जगह बनाने के बाद आप ऐसा करें, पहले आप सोच लें कि आपके पास पैसे कितने हैं, तो पैसों के बारे में हिसाब लगा के फिर आप अपनी मंडी में जाएं, या आपके नज़दीक जो भी गांव हों, शहर हों, सिटी हों, वहां पे जाके आप शहर में जाके वहां आप ले सकते हैं छोटी छोटी भैंस, जिनको कट्टी कहते हैं, वो कट्टियाँ ले आएँ, लाने के बाद उनको पालें, तो आप इनको खिला सकते हैं। ये देखो जो चारा होता है पट्ठे, ये भी खिला सकते, उसके बाद आप इनको वंडा भी खिला सकते हैं। खिलाने के बाद इनकी इनके 3-4 महीने पालने के बाद इसको इससे बहुत अच्छी प्रॉफिट मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2-3 पालें, ये 2-3 से आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगी। अगर आप प्रॉफिट चाहते हैं तो फिर तकरीबन आपको 20 से ऊपर रखनी पड़ेंगी, तो 20 से ऊपर आप कटियाँ रखोगे, यानी कि कटियाँ रख दो, ऐसा ऐसा जब 20,000 की लोगे तो इंशाल्लाह तो 40-50,000 की टोटल बिकेंगी। तो 50,000 अगर आप इसको और ज़्यादा रखें, यानी कि 1-2 साल रखेंगे, तो इस ये 1.5-2-3 लाख तक भी चली जाती हैं, तो इससे बहुत ही प्रॉफिट मिल सकती है। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने यानी कि और भी मज़ीद मालूम लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी इसके अलावा अगर आप कोई भैंस के बारे में पूछना चाहते हैं या कोई भैंस लेना चाहते हैं, रावी या नीली, तो उसके लिए हम अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, तो आपको मिल भी जाएंगी। आपको ये भी बता देंगे आपकी मंडी किस मंडी से ले सकते हैं और कितने में आपको मिल जाएंगी। तो बाकी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन बाकी भी इसके अलावा और भी वीडियो आएंगी तो उसमें मालूमात देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।